श्रीमन्नारायण गुरु जी, जय श्रीमन्नारायण। दासी का आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरे को ये कहना था, जैसे हमारे अभी काफ़ी टाइम से इनका काम धंधा कुछ नहीं था, जिस वजह से बहुत पीना वीना करते थे वो, मतलब 3-4 साल हो गए थे। फिर जैसे हमने पोथी पाठ के बारे में सोचा मैंने कि भाई उनका कुछ काम चालू हो जाएगा तो मैं पोथी पाठ रखाऊंगी, बस मैंने बोला और 2 से 3 दिन बाद उनका काम का आ गया। वो टाइल्स का काम करते हैं, बहुत बड़ा काम मिला है गुरुजी आपके आशीर्वाद से, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं और अभी और आगे करेंगे वो। बस इस मैंने अभी हमने रखवाया पोथी पाठ, और बेटे का जन्मदिन था कल। देखो भागवत जी बिठाने से आप मानो ना मानो बड़ा काम बनता है, भगवान सुनते हैं, सब काम होते हैं, इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जी गुरु जी, जैसे अभी आपने बोला ना कि विश्वास बहुत अटूट होगा तो आपका काम जरूर बनेगा, और बहुत पक्का वाला विश्वास है मेरा, और यूँ समझो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मेरे अभी कितनी तबीयत 2 महीने से ख़राब थी, उसके बाद में भी मेरे को ठाकुर जी ने यहाँ बुला लिया और मैं आ गई हूँ, और मैं अभी बहुत मतलब मैं तो अच्छी हूँ। बेटे का जन्मदिन था कल तो मैं बेटे को भी लेके आई, और कल हमने संतों की सेवा भी करी थी, तो आप बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए और कुछ बात कर लीजिए उससे। बात राधे राधे गुरु जी। जी बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी यहाँ आने की, तो मैया ने मेरी बोला भी था कि चलना है साथ में, तो अभी जन्मदिन था मेरा कल, तो मैया लेकर आई मुझे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और यहाँ की सारी सेवाएँ देख कर, और जैसा आप सभी को यहाँ पर जितनी भी नॉलेज देते हैं और भागवत गीता के द्वारा, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो आप, बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे। तो आपको यहाँ की सेवाएं अच्छी लगी? बहुत बहुत। जो टीवी पे देखा था वो सही है कि झूठ है? सब सही है, एक्चुअल में पूरा सही है गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। और एक सवाल भी था मेरा गुरु जी, ये मतलब मेरा एक सवाल था कि ये भूत प्रेत आत्मा और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, तो एक्चुअल में ये होती है या नहीं? ये नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मकता। नकारात्मकता कोई भूत कहते हैं जी, नेगेटिविटी को। मतलब जैसे अगर भूत जैसा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आके आपके सामने खड़ा है ऐसा भूत। भूत मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, ये जो भूत लगा है ना, भूतपूर्व सरपंच जी, ये हैं भूत। ओके। असली भूत तो जो है, जिस भूत के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। कौन सा भूत? निगेटिव, नकारात्मकता को भूत कहा है जी। जो गलत विचार आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, वही भूत है, ना कि कोई ऐसा कोई आत्मा और कोई वो ऐसा कुछ, जैसी कल्पना है ना भूतों की आजकल टीवी में दिखाते जी, हैं जी, हंसी आ जाता भूत, तो मैंने वो कोई भूत भूत नहीं है गुरु जी। मैंने ऐसे मतलब कुछ लोगों को देखा भी है, मतलब लाइव देखा है, तो उनके बॉडी में कुछ मतलब एक्सप्रेशन देते हैं वो, कि जैसे कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में नेगेटिव चीज है या किसी की आत्मा है, इस टाइप से मैंने देखा है। हाँ, वो नकारात्मक, तो ऐसा कुछ होता है? बोल तो रहा हूँ, नकारात्मकता। जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है तो सोच सोच के वो भूत हो जाता है, खुद भूत बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश, उसी तरह नकारात्मकता को मिटाना है तो सकारात्मक, अपने आप को सकारात्मक बनाओ, अच्छे सत्संग में जुड़ो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, नेगेटिविटी खत्म। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी मेरे को एक बात बतानी थी, कल ही मेरे पास फ़ोन आया, मेरे छोटा वाला भाई अचानक से उसकी कल सुबह तबीयत खराब हुई, जैसे वो सोया था तो वो उठा ही नहीं मतलब, और घर वालों ने इसको जैसे तैसे उठाया तो बहुत अजीब अजीब हरकत करने लगा वो, और अपनी ही जीवान को उसने बहुत ज़्यादा वाली काट दी, और मतलब संभल नहीं रहा था, तो उसको जैसे तैसे करके वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो वो अभी बहुत ज़्यादा सीधे से डॉक्टर गुरु जी आप आशीर्वाद दे दीजिए कि वो ठीक हो जाए, मतलब अभी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा डॉक्टर, मतलब अभी बिहारी जी सब ठीक करेंगे। अभी 50-60 हज़ार रुपये लग गए कल से अभी तक, पर उसमें कोई चेंज नहीं आया है। होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरु जी मेरी बेटी आपको लाइव देख रही है, किरण नाम है उसको, राधे राधे बोल दीजिए। किरण, किरण को राधे राधे।